मध्य प्रदेश के रहेठी में धड़ल्ले से माफिया नर्मदा नदी पर अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग ने अब तक सिर्फ 6 पोकलैंड मशीनों को भी केस रजिस्टर किया है। खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार पोकलैंड जेसीबी मशीनों से अवैध उत्खनन करते हैं, लेकिन खनिज विभाग के लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच का कहना है कि कंपनी बिना ग्राम पंचायत की परमिशन के नर्मदा नदी में दिन रात मशीनों के जरिए खुदाई कर रही है। इसे लेकर कई बार कलेक्टर से शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। इस मामले में खनिज विभाग के ठेकेदार, खनिज विभाग के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी या जिला कलेक्ट्रेट से किसी अधिकारी ने कोई संपर्क किया आपसे? नहीं। आपके यहाँ मजदूरों की क्या स्थिति है? कितने मजदूर हैं कुल गाँव में? मजदूर लगभग 300 है। आपके कितने मजदूरों को रेत के नाम से मजदूरी मिल रही है? एक भी मजदूर को नहीं। नर्मदा जी में जो रेत का उत्खनन हो रहा है, इसमें कौन कौन सी मशीनों का उपयोग ठेकेदार और उनके लोगों द्वारा किया जा रहा है? जेबीसी किसी लाख साहब के पास गए थे, बोल रहे थे खनिज विभाग वाले गए थे। इसके बाद में हमारे यहाँ के कुछ मजदूर जो लाल टेकरी है, हनुमान टेकरी, वहाँ के एसडीएम साहब के पास भी आवेदन लेके गए थे और सीहोर भी गए थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं।